22nd October, Kalcho low pressure area, North Andaman Sea adjoining our South Andaman Sea, Southeast Bay of Bengal area में था. इसका movement west northwestward हुआ है और depression में concentrate हुआ, means अवपात में रूप लिया है आज सुबह. इसका location है South East adjoining East Central Bay of Bengal area में. सेंटर पॉइंट है 12.7 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 22.4 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड. हमारा सागर आइलैंड वेस्ट बंगाल का सागर आइलैंड से 1460 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट का डायरेक्शन में और बांग्लादेश का बोरिशाल का 1130 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट दूर में इसका लोकेशन है. इसका मूवमेंट अभी नॉर्थ वेस्ट वार्ड रहने का चांसेस है और फर्दर इसका इंटेंसिफिकेशन डीप डिप्रेशन में होने का चांसेस है कल सुबह तक और फिर इसका रिकर्व होने का चांसेस है नॉर्थ नॉर्थ ईस्टवर्ड. इंटेंसिफिकेशन साइक्लोनिक स्टॉर्म होने का चांसेस है 24th अक्टूबर मॉर्निंग तक. फर्दर इसका मूवमेंट नॉर्थ नॉर्थ ईस्टवर्ड रहेगा और बांग्लादेश कोस्ट क्रॉस करने का चांसेस है बिटवीन तीनकोना आइलैंड एंड संदीप आइलैंड 25th मॉर्निंग का अराउंड. इसका प्रभाव हमारा उड़ीसा में डायरेक्ट प्रभाव नहीं है बट हमारा कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में मेनी प्लेसेस में रेनफॉल एक्टिविटी होने का चांसेस है. रेनफॉल मेनली हमारा 24th अर्ली आवर्स से 25th तक ही होने का चांसेस है. तो 24th अर्ली आवर्स में हमारा हैवी रेनफॉल एक दो जगह में हो सकता है केंद्रपड़ा जगत सिंहपुर पूरी डिस्ट्रिक्ट में और 24th से 25th मॉर्निंग तक बालासोर भद्रक जाजपुर केंद्रपड़ा जगत सिंहपुर कटक ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक दो जगह में हैवी रेनफॉल हो सकता है. मोस्टली हमारा लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल ही रहेगा कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट एडजॉइनिंग इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट में, बाकी एक दो जगह में हैवी रेनफॉल का चांसेस है. और हमारा कोस्टल एरिया में अलोंग एंड ऑफ उड़ीसा कोस्ट 23rd को 35 to 45 गास्टिंग में 55 तक कोस्टवाली विंड स्पीड रहने का चांसेस है. 24th में 45 to 55 और 25th में हमारा 50 to 60 ऑफ बालासोर कोस्ट और नॉर्थ कोस्टल का डिस्ट्रिक्ट में 45 to 55. तो सी कंडीशन रफ टू वेरी रफ रहने का चांसेस है अलोंग एंड ऑफ उड़ीसा कोस्ट. तो फिशरमैन को बिल्कुल समुद्र जाने के लिए मना किया है 23rd to 25th अलोंग एंड ऑफ उड़ीसा कोस्ट. और हमारा डीप सी एरिया में भी आज से जाना मना है. तो जो भी डीप सी एरिया में है उनको 20 आज नाइट तक वापस आने के लिए कहा गया है. पोर्ट वार्निंग हमारा डिस्टेंस कॉशनरी, डिस्टेंस में डिप्रेशन होने से हम लोग इश्यू करते हैं.